नमस्कार, इंडिया टाइम में आपका स्वागत है। ब्रेकिंग न्यूज कन्नौज। सरकार के बजट को लेकर कांग्रेस जोनल प्रवक्ता विवेक नारायण मिश्रा ने कहा कि इस बजट में पूंजीपतियों को लाभ मिलेगा, मध्यम वर्ग को कोई लाभ नहीं मिलेगा, न किसानों का कोई लाभ मिलेगा और न युवाओं को कोई रोजगार मिलेगा। हमारे संवाददाता की खास रिपोर्ट। आप एक कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, आज जो देश का बजट आया है इससे जनता को क्या राहत मिलेगी? जनता राहत इसमें पूंजीपत वर्ग को मिलेगी, मध्यम वर्ग और गरीब आदमी को इस बजट से कोई राहत नहीं मिलेगी। ये संभवतः देश का पहला बजट है जिसमें कि आंकड़े न दिखा के केवल घोषणाएं करी गई हैं। और सबसे बड़ा जो पहलू है कि पेट्रोल और डीजल के जो दाम बढ़ाए हैं उस पर 1 रुपया एक्साइज बढ़ा के और सेस को बढ़ा के उससे सरकार को भले आमदनी हो जाए लेकिन आम जनता की जेब उससे हल्की होगी। मध्यम वर्ग पे ज़्यादा उसका असर आएगा, लोअर मिडिल क्लास पे उसका असर आएगा और महंगाई बढ़ेगी। महंगाई को रोकने के लिए इस बजट में कोई भी ऐसे प्रावधान नहीं किए गए हैं। और सबसे बड़ी बात, जो युवाओं से 10 करोड़ रोजगार देने की बात कही गई थी उन 10 करोड़ रोजगार के लिए इस बजट में कोई भी ऐसा प्रावधान नहीं किया गया है। किसानों की आय दुगना करने की बात कही गई थी उसके लिए इस बजट में कोई भी ऐसे खास प्रावधान नहीं किए गए हैं। उल्टे किसानों के लिए जो उनके उपयोग की चीज़ें थी, खाद या कीटनाशक दवाएं या और जिस तरह की थे उपकरण वगैरह, उन पर दाम उनके बढ़ा दिए गए हैं। मनरेगा, गरीबों की बात करते हैं लेकिन मनरेगा का बजट कम कर दिया गया है। श्वेत क्रांति की बात करते हैं लेकिन श्वेत क्रांति के लिए डेयरी का बजट कम कर दिया है। तो स्मार्ट सिटी 100 थे उनके बारे में बजट में कोई नहीं बात जिक्र किया गया। गंगा जी की सफाई के बारे में उसके लिए बजट में कोई प्रावधान नहीं किया गया है।